तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करते हैं इटली की नई अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि जो यहाँ पर इटली में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, उन लोगों को 100 यूरो अगले बूस्टा पागा में आने शुरू हो जाएंगे। कम से कम 17 लाख ऐसे वर्कर है जिनको डायरेक्ट ये फायदा होगा। उनमें कौन कौन सी कैटेगरी है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद में कई भाई कमेंट कर रहे हैं कि 2023 2024 के पेपरों का क्या हुआ, क्या हम अपना पेमेंट एजेंट से वापस ले लें या कागज अभी भी निकलेंगे या कब निकलेंगे हमारे पेपर, क्योंकि इटली के कागज है ना वो ज्यादातर तो निकल चुके हैं 70-80%, लेकिन अभी भी 20-30% जो भी कागज बचे हैं ना वो भाई अभी तक अगस्त चल रहा था और अब मेरे को लग रहा है ना कि सितंबर से ये खुलने शुरू हो जाएंगे। फिर भी इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में भाई एक भाई ने ये कमेंट किया कि हमारी नूलावस्था एक्सपायर हो रही है, 15-20 दिन बचे हैं और हमें रेफरेंस नंबर तो पहले ही मिल गए थे, लेकिन हम क्या वो 15 दिन जो 15 दिन का जो कैटेगरी है जी उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक मैंने लिखा है कि पासपोर्ट में सरनेम का भी भाई कई मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे तो काफी मैसेज आ रहे हैं कि पासपोर्ट में सरनेम वाला क्या चक्कर है, क्या हम पासपोर्ट में सरनेम अब जुड़ें या हमारे नूलावस्था में भी ऐसे मतलब जैसे रमेश कुमार नाम है तो रमेश कुमार एक ही लाइन में आ गए तो क्या वो अलग अलग करवाएंगे। तो वो सारा कुछ आज मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद में भी एक दो और न्यूज है वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 100 यूरो के बारे में, क्योंकि पैसों की बात है तो सबसे पहले करते हैं। तो ये 100 यूरो को मिलेंगे, ये 17 लाख इटली में डायरेक्ट वर्कर को फायदा होगा। कौन कौन से वर्कर, स्टूडेंट से और सेकंड की बैंकर है जो बैंक में काम करते हैं उन लोगों को, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं कोपरेटिवा जो मैगजीनों वगैरह में काम करते हैं ना उन लोगों के डायरेक्ट बुस्ता में हो सकता है कि अगले महीने से 100 यूरो आने शुरू हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये भाई खुशखबरी है, आपकी तनख्वाह अगले महीने से 100 यूरो बढ़कर आ सकती है। जब 15 अक्टूबर का मेरे तो 15 तारीख को तनख्वाह आती है तो हो सकता है कि आपके 15 तारीख वाले बुस्ते में 100 यूरो बढ़कर आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 2023-24 वाले पेपरों के बारे में, क्योंकि काफी कमेंट तो यही आ रहे हैं कि हमारे पेपर भाई नापोली से लेचे से, क्योंकि प्राय कर ना लेचे नापोली से कागज लगाए हुए हैं। तो लेचे नापोली से क्या है ना कि ज्यादातर एग्रीकल्चर वाले हैं और ज्यादा डॉक्यूमेंट है वो सीजन वाले लगाए हुए हैं। और एक दो भाई के मैसेज ये भी आ रहे थे कि डोमेस्टिक में हमने पेपर लगवाए हैं, और कई लोग ये बोल रहे थे कि परमानेंट वालों की क्या लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि परमानेंट वाले हैं ना वो तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट निकलते रहेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। ये भाई इसी महीने आपके खुल सकते हैं, अगले महीने खुल सकते हैं, दिसंबर तक खुल सकते हैं, तो इनमें है ना वो टाइम लगता ही रहता है, क्योंकि ये परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे चेक करके ही दिए जाते हैं। सीजन वालों का क्या है कि सीजन सीजन आएंगे, एक आदमी के काम करेंगे और वापस अपने देश चले जाएंगे इनके हिसाब से, तो उस हिसाब से ये सीजन वाले डॉक्यूमेंट्स है वो जल्दी निकलते हैं और इनका कोटा भी ज्यादा होता है। तो मेरे को अब लग रहा है ना कि अगस्त में ये जो सेकेंड लिस्ट आई थी और अगस्त में छोटियां भी चल रही थी, तो अब सितंबर से इनका प्रोसेस है ना वो तेजी से शुरू होगा। तो हो सकता है कि आपको है ना इस सितंबर या अक्टूबर में आपको नूलावस्था मिल जाएगी। और कई भाई ये बोल रहे हैं कि कागज निकलेंगे या अपने पैसे वापस ले लें, तो देखो एक बार पैसे मेरे हिसाब से वापस मत लो, एक दो महीने और इंतजार कर लो। उसके बाद में मेरे को लग रहा है ना कि दिवाली तक आप इंतजार कर लो, दिवाली तक ना निकले तो आप लोग फिर पैसे वापस ले सकते हैं और ये बोल सकते हैं अपने एजेंट को या रिश्तेदार को कि भाई जब कागज निकलेंगे तो हम आपको पैसे वापस दे देंगे जितने आपके लगे हैं। तो फिलहाल उन पैसों का ब्याज यदि ब्याज लिया तो भाई ब्याज लगाने में कोई फायदा नहीं है, तो वो 2-3 लाख जो भी एडवांस लेते हैं वो एक दो महीने और इंतजार कर लो। मेरे हिसाब से जिनका टाइमिंग और जिनका कोटे में कागज है ना उनके कागज जरूर निकलेंगे, आप आस ना छोड़ो। उसके बाद में दोस्तों पासपोर्ट में सरनेम वाली पहले बात कर लेते हैं। देखो पासपोर्ट में सरनेम वाला बहुत ज्यादा मसला है और बहुत लोगों के मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी कई वीडियो के नीचे कमेंट करें कि पासपोर्ट में सरनेम होना कितना जरूरी है और क्या हम अब पासपोर्ट में सरनेम जुड़वा सकते हैं। तो भाई इसका देखो एक ही उत्तर है कि आप लोगों ने अभी तक यदि इटली का कागज नहीं लगवाए हैं और आपकी नूलावस्था नहीं आई है तो भाई आप लोग पासपोर्ट में सरनेम लिखवा सकते हो, लेकिन अगर आपकी नूलावस्था आ गई है तो भाई आप लोग पासपोर्ट में छेड़छाड़ मत करो, ऐसा मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। सरनेम में जरूरी है लेकिन यदि आपकी नूलावस्था आ गई है ना तो पासपोर्ट को मत छेड़ो,
कुछ भी आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग यहाँ जब इटली आओगे ना, मैं जब यहाँ पर इटली आया था तो अविनाश कुमार एक ही लाइन में जैसे नाम था ना उसमें लिखा हुआ था, फिर वो जो कुमार है ना उसको नीचे कर दिया उपनाम में, तो अब हो गया अविनाश कुमार। तो ऐसे ही आपके नाम को ऊपर नीचे उपनाम में करवा लेना और यहाँ आने के बाद करवा लेना, यहाँ एम्बेसी है वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप लोग यदि इंडिया में अभी सोच रहे हैं कि भाई हम सरनेम ऊपर नीचे करवा लें, कहीं दिक्कत हो जाएगी तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए आप जैसे हो वैसे ही पड़ा रहने दें। यदि आपने इटली का कागज अभी तक नहीं लगाए हैं और 2025 में लगाने का सोच रहे हैं तो हाँ अपने पासपोर्ट में सरनेम में जुड़वा लो, क्योंकि सरनेम है ना इटली में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी क्या है, एकदम 100% जरूरी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सरनेम इटली में चाहिए या नहीं चाहिए, तो इटली में सरनेम बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ये जो पासपोर्ट बनाते हैं ना मित्र वाले, इनसे भी भाई निवेदन है, यदि कोई देख रहा है प्लीज़ यार सरनेम जोड़ दिया करो, आपका क्या लगता है, आपको पता है नहीं ऐसे बस पासपोर्ट के अप्लाई कर देते हो। सरनेम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे इंडिया में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपकी नूलावस्था यदि एक्सपायर होने वाली है, 15-20 दिन ही बचे हैं और आपको रेफरेंस नंबर पहले ही मिल चुके हैं, यानी एक महीना हो गया रेफरेंस नंबर मिले हुए और आपकी नूलावस्था 15-20 दिन के अंदर खत्म होने वाली है, तो भाई आप लोग फिर से ट्राई मत करना। वो जो 15 दिन वाला कॉलम है ना जिसमें ये लिखा हुआ है कि 15 दिन जिनकी एक्सपायर होने में डेट बची है वो लोग यहाँ पर क्लिक करें अप्लाई करें, तो उस पर आप लोग क्लिक मत करना, क्योंकि यदि आपने फिर से वहाँ पर अप्लाई कर दिया तो आपकी नूलावस्था 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, रिफ्रेंस नंबर मिल गए तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगा, आपको कहाँ पर भी ये वापस से अप्लीकेशन भरने की ज़रूरत है नहीं, तो आप लोग बस इंतजार करो 5-10-15 दिन में आपको यदि रेफरेंस नंबर मिले तो बुक अपॉइंटमेंट का भी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज वापस से मत करना और उस 15 दिन वाले में तो खास तौर से मत करना। उसके बाद में कई दोस्त ये भी बोल रहे हैं कि 2023 की जो लिस्ट बनाई है उसमें फैमिली वीजा वाले वीडियो के बारे में एक ने कमेंट किया, तो भाई देखो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना वो आप लोगों के लिए फायदे के लिए बनाता हूं, क्योंकि आप लोग नए जो यहां पर इटली में आते हैं ना आप लोगों को नियमों को पता नहीं है, और हर आदमी जो आजकल आ रहा है मेरा ऐसा मानना है कि उसको सारा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे देकर यहां पर आते हैं तो हर चीज का पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में चाहे आप यहां पर क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि यहां आने के बाद कौन कौन से काम मिलते हैं। मैंने सारे ये जो सारा कुछ है ना इस पे वीडियो बनाए कि आप लोग अपनी वाइफ बच्चों को कैसे बुला सकते हैं, आप लोग पासपोर्ट में सरनेम कैसे लिखा सकते हैं, आप यहाँ पर खाना खर्चा कितना लगता है, उसके बाद में अलग अलग जो चीज़ें हैं यहाँ पर लाइसेंस वगैरह, गाड़ी का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस, एक एक चीज़ पर मैंने वीडियो बनाए, आप लोग देख सकते हैं और सारे एकदम सही है भाई, जितना मुझे नॉलेज था ना उतना मैंने अपनी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाए। तो आप लोग यदि ये बोलते हैं वो आधा पर्दा वीडियो देख के कि भाई 2023 की लिस्ट थी, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था फैमिली वीजा पे, तो एक भाई ने कमेंट किया कि वो तो 2023 की लिस्ट थी। अरे 2023 क्या, 5 साल पहले भी यही लिस्ट थी, अभी हर साल कोई नई लिस्ट थोड़ी आएगी ये फैमिली वीजा के लिए, ये एक जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो ये संजोर्नो हो गया, S1 S2 मोड्यूलो हो गया, वो सारा कुछ मैंने एक एक बताया, मैंने फैमिली यहाँ पर बुलाई है तो यार मेरे को ज़्यादा पता होगा ना आपसे, तो प्लीज आप लोग ये देख लिया करो, आपको यदि नॉलेज देना है तो भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, वो आप पे है, आपको यदि जानकारी लेनी है तो वीडियो देख लिया करो। और हाँ वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि कई लोग है ना वो वीडियो आधा देखते हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं कि भाई मैं जो वीडियो में बात बताता हूँ वही नीचे कमेंट में आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसका क्या हुआ, तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए अभी मैंने आपको बता दिया कि 2023-24 के पेपर कब खुलने वाले, फिर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं कि भाई मेरे इतनी टाइमिंग है तो क्या खुल जाएंगे। हाँ लगभग लोगों के कागज खुलेंगे, ऐसी बात नहीं है, फिर भी भाई देखो मैं साफ बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं कि 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, जहां पर वैकेंसी है जो 2024 वाली थी वो 1,51,000 की थी, 1,51,000 का कोटा था, 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, और यदि आपके कागज डोमेस्टिक में लगाए गए हैं तो 1-1.5 मिनट में है तो खुल सकते हैं, उसके बाद में तो बिल्कुल कम है, क्योंकि डोमेस्टिक में जो कोटा था ना वो 9.5 हज़ार का था और फॉर्म भरे गए थे 1,10,000-11,000, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4-5 जो कागज भरे गए ना उनमें से एक कागज डोमेस्टिक वाला निकलेगा, तो डोमेस्टिक वाले कागज हमेशा ही इनका कोटा है ना वो कम रहता है, तो इस साल से ये कोटा बढ़ाने की बात की जा रही है 3 गुना, तो हो सकता है कि इस साल से ये कोटा बढ़ जाए तो भाई जो अगले साल अप्लाई करेंगे ना उनके कागज जरूर निकलेंगे। तो ये तो है भाई इस साल के कागजों के बारे में।
उसके बाद में कई नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इटली जाने के लिए क्या मेडिकल होता है। तो भाई मेडिकल नहीं होता है, इटली आने के लिए कोई मेडिकल नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई इंटरव्यू होता है। तो इटली के लिए ना इंटरव्यू होता है और ना मेडिकल होता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट किए ना वो रिप्लाई करूँ। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक कर देना। चलो।